ओके भाई, गुड मॉर्निंग। और हम लोग अपना शुरू कर लेते हैं जरा नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि हम पहले चैप्टर में थे और पहला चैप्टर था आपका रिलेशन एंड फंक्शन, और रिलेशन एंड फंक्शन अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हुआ। थोड़ा बहुत कोई ना कोई बाई चांस पॉइंट मिस हो गया होगा। पहली बात, अप्रोक्सीमेटली हमने कोई पॉइंट मिस नहीं किया, फिर भी हो गया होगा एक तो मेरे माइंड में भी रहता है। कभी भी जब रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे तो फिर डिस्कस कर लेंगे रिवीजन। जब भी कभी रिवीजन होगी, दिसंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, जब भी शुरू होगी रिवीजन, तब फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग नया चैप्टर की भी बात नहीं कर रहे, हम लोग ना मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट कंप्लीट करके एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे गए थे, यानी कि वो हमने चैप्टर डिस्कस नहीं किया था, वो पॉइंट डिस्कस नहीं किया था। आज हम आपकी मैट्रिसेस को, जो लास्ट पॉइंट रहता है, उसको खत्म कर लेते हैं, जो आपकी बुक में फिफ्थ चैप्टर है, यानी कि मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूट के नाम से आपकी बुक में एक चैप्टर है। और एक्चुअली की कंबाइंड इकट्ठा दे देते तो इकट्ठा हो जाता है, इन्होंने अलग अलग चैप्टर डिवाइड कर दिया। एक्चुअली एक टॉपिक ही है चैप्टर के बीच, क्या बात कर रहे कि सही ढंग से बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। इसमें हम डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन ही करते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स शुरू कर दे जरा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी थ्योरी डिस्कस करेंगे, थ्योरी के बाद फिर देखेंगे कि कहां जाना है, थोड़ी सी बात करते हैं। बारी आती है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, adjoint of a matrix। अगर मैं adjoint of a matrix की बात करूं, adjoint of a matrix, आ जाइए जरा, सबसे पहले बात करता है कि adjoint कहते किसे, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल सी बात, पीछे करके आए हैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, उसी में adjoint of a matrix निकल रहे हैं। थोड़ी सबसे पहले बात हम कर लेते हैं, हम जब पहले बात करके आए तो सिंपली हम कोफैक्टर की बात करके आए थे। क्या बात करके आए थे, पहली बात हम करके आए थे माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हम बात कर चुके हैं। और अगर थोड़ी सी और आगे बढ़े तो हम कोफैक्टर की भी बात कर चुके हैं, यानी कि कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात कर लो या कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, हम दोनों की बात कर चुके हैं, ठीक है। और कोफैक्टर निकालें या हम माइनर्स निकालें, हमें ये पता है कि हमने ये सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली थी। किसकी निकाली थी, स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली थी। जब हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पे जाते हैं तो हम इन्हीं माइनर और कोफैक्टर को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये क्या कहता है, कहते हैं यदि मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालो और उन कोफैक्टर को फिर एज ए मैट्रिक्स अरेंज करूं और उस अरेंजमेंट का मैं ट्रांसपोज कर दूं, तो जो ट्रांसपोज आएगा वो ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा। मतलब थोड़ा सा समझना पहले, फिर डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा सा समझना। मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, हम एडजॉइंट को ए डी जे से ही डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे, ए डी जे से, यहां पर भी ए डी जे लिख दे, इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पे अगर हम जाएं तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मेरे पास एडजॉइंट निकालने के लिए हर हाल में क्या होना चाहिए, कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली बात क्या है, पहली बात ये कहता है कि हर हाल में मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली ही बात, जस्ट एडजॉइंट निकालने में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि वो हर हाल में आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली कंडीशन ही है, इसके अलावा कोई कंडीशन एडजॉइंट पे नहीं। क्लियर, चल अब अपना काम करते हैं। मान लेते हैं लेट हमने ए एक 1, 2, 3, 4 एक स्क्वायर मैट्रिक्स निकाली। क्या निकाली, 1, 2, 3, 4 एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले ली। इसका ऑर्डर कितना भाई,
2:2, इसका ऑर्डर हो गया। अब स्केयर मैट्रिक्स पे थोड़ा सा आगे बढ़िया, सबसे पहले कहता है इसके हमने कोफैक्टर निकालने, क्या निकालने हैं कोफैक्टर, डाटा नहीं आता ना कोफैक्टर निकालने, कोई बात नहीं अब सीख लेना। देख ये पहला एलिमेंट है, कोफैक्टर को सी से डिनोट करते हैं, यानी कि पहला एलिमेंट पहली रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट ले रहे हैं ना, यानी कि C11, C11 पहली रो पहला कॉलम, यानी कि पहले एलिमेंट निकालने का तरीका कोफैक्टर में उसी की रो उसी का कॉलम छोड़ दो। पहली बात देख -1 की पावर 1+1, यानी कि -1 की पावर ये जो सफिक्सिस होती है एडिशन में कर, और ये मेथड है क्योंकि कोई डेरिवेशन नहीं है ये, यानी कि मैं ड्राइव करके बताऊं कहां से आया कैसे आया, बस ये एक मेथड है, और मेथड को आपको क्या करना होता है याद करना होता है कि कोफैक्टर निकालने का ये मेथड है। तो -1 की पावर 1+1, अब उसी की रो उसी का कॉलम छोड़ दो, कौन बचा 4 लिख लिया। अब जो बचा इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, वैसे ये साइन डिटरमिनेंट का होता है, कितना निकालते हैं वो भी नहीं आता, नहीं आता कोई बात टेंशन ना ले, आ जाएगा वेट कर। अब ये तो 4 ही है ना, तो 4 की वैल्यू तो 4 ही रहनी है, -4 होता ये याद रखना है, मोड नहीं है ये, यहां मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट का साइन, यानी कि -1 की पावर 1+1 2, यानी -1 की पावर 2 वो तो बनी रहती है, इसका मतलब है 1 × 4 कितना रिजल्ट आया 4। अब बारी आई दूसरे की, यानी कि C12 पहली रो दूसरा कॉलम, ये तो रो और कॉलम का पता होगा ना, बस इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही पता हो बाकी सारा समझ आ जाएगा, गारंटी आएगा ठीक है सर, रो और कॉलम का पता होगा। C12 -1 की पावर 1+2 उसी की रो उसी का कॉलम छोड़ दो, और बचा 3, कितना आया भाई -3 आई थी, क्योंकि -1 की पावर 1+2 3, तो -1 की पावर 3 तो -1 होना है, -1 × 3 -3। C12 के बाद बारी है C21 की, किसकी बारी आगी C21, ओके C21 -1 की पावर 2+1 C21 -1 की पावर 2+1। अब 2+1 यानी कि इसकी बारी है उसी का रो उसी का कॉलम, कितना बचा 2, मेरे ख्याल में ये भी -2 ही आ गया, क्योंकि -1 की पावर 3 -1 × 2 दैट इज -C21 के बाद बारी आगी C22, किसकी बारी आई C22 यानी कि भाई उसी का रो उसी का कॉलम कौन बचा 1, -1 की पावर 2+2 × 1 रिजल्ट फाइनली 1 की बचा, हो गया। ये हमने कोफैक्टर निकाल लिया, अब इस कोफैक्टर को मैं एज ए मैट्रिक्स लिख लेता, लिखे सर एक हाँ कहाँ से आया वहाँ पे दोबारा बोलो बेटा, ये वन है इधर देख C22 इसी का रो उसी का कॉलम छोड़ दिया तो बचा कौन अकेला 1, तो मैंने 1 ही लिखा, सही है 1 × 1 दैट इज 1 हो गया। अब मैं इस मैट्रिक्स को जिसे भी लिखना चाहूं मान लेते हैं, मैंने इस मैट्रिक्स को Cij से डिनोट कर लिख लूं, Cij से नोटेशन है जस्ट Cij से, या C से लिख लो मुझे कोई लेना देना नहीं, C से लिख लो, या इसको लिखना चाहते हैं तो B से लिख लो, जिससे भी डिनोट करना चाहो डिनोट करो ठीक। अब डिनोट किया तो C11 यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं इनको किसमें लिख रहा हूं, मैट्रिक्स लिख रहा हूं, इस कोफैक्टर क्या लिख रहा हूं, इन कोफैक्टर को कहते मैट्रिक्स लिख लो, क्या लिखा ये आया 4, ये -C12 कितना आया -3, ये कितना आया -2 और 1, ये हो गया भाई। अब बारी आई कहता कोफैक्टर तो निकाल लिए, कहता एडजॉइंट ऑफ ए निकाल, अब ध्यान से सुनना, अब बारी आई है एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है बी का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, याद रखना इट इज ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो ये मेरे पास कितना था 4 -3 -2 1 इसका ट्रांसपोज,
जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो जन नहीं कहते हैं, आई जे में कन्वर्ट होता है जे आई में, यानी कि जो पड़े उनको खड़ा कर दो, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दो। तो सिंपल क्या है, जो रो है उनको कॉलम में बदल दो। ये फोर और ये माइनस थ्री, ये माइनस टू और ये वन, आंसर आ गया। ये क्या गया मेरे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए समझ। अब ध्यान से देखो, अगर मुझसे उसने ये पूछा कि एडजॉइंट निकाल, तो सबसे पहले मैंने देखा क्या जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स है। अगर वो स्केयर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए एग्जिस्ट करता, एडजॉइंट ऑफ ए एग्जिस्ट करता है, यानी कि मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकता। निकालने का प्रोसीजर क्या, मेथड क्या है, सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, कोफैक्टर निकाल लीजिए, फिर उन कोफैक्टर का एज ए मैट्रिक्स अरेंज करके ट्रांसपोज कर दीजिए, और जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हुआ वो क्या कहलाया, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाया। मींस कि सबसे पहले कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, और उस ट्रांसपोज को ही हमने क्या कहा, क्या कहा, उसी के हमने कोफैक्टर की मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ही एडजॉइंट ऑफ ए कहा। समझा की बात। अब इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, क्या लिखिए, डेफिनेशन लिख दीजिए। टॉपिक आता है एडजॉइंट ऑफ ए, अब डेफिनेशन लिखिए जरा, अब डेफिनेशन समझ में आ जाए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, देख क्या लिखोगे, इफ ए इज ए एन स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए एन रोज, एन रोज स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रोज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए एन रोज स्क्वायर मैट्रिक्स, then then adjoint of A, then adjoint of A, then adjoint of A is also a n rods square matrix, n rods square matrix, then it is also a n rod square matrix, square matrix, adjoint of A is also a n rod square matrix, say a i j, which is the transpose, which is the transpose, which is the transpose of A matrix, which is the transpose of A square matrix, square matrix of a square matrix of a co of a matrix of a matrix of a cofactor, cofactor of A, कुछ समझ आई। ठीक है, क्या कहा, कहता है फेज द एन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ फेज आल्सो एन रोज स्क्वायर मैट्रिक्स, से ए आई जे, व्हिच इज द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, यानी कि ए के कोफैक्टर की एक मेरे पास एक मैट्रिक्स आई, उस मैट्रिक्स का मैंने क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला, क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला, और उस ट्रांसपोज को ही हमने ट्रांसपोज ऑफ ए, सॉरी
ट्रांसपोज निकालो, उस ट्रांसपोज को ही हमने क्या कहा एडजुवेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड एज एडजुवेंट ऑफ ए ए, इट इज डिनोटेड एज एडजुवेंट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड एज एडजुवेंट ऑफ ए, सही है। अब लिखिए पहला फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट, स्टेप है फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या, पहले फाइंड, पहला स्टेप क्या है फाइंड कोफैक्टर, फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हो, पहला स्टेप क्या है फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, पहला। दूसरा स्टेप क्या है, यानी कि मैंने कोफैक्टर निकाल के अरेंज दीज इन एज ए मैट्रिक्स, अरेंज दी कोफैक्टर, अरेंज दी कोफैक्टर, अरेंज दी कोफैक्टर एज ए, अरेंज दी कोफैक्टर एज ए मैट्रिक्स, एज ए मैट्रिक्स। अब उनको क्या कर लो कोफैक्टर को अरेंज कर लो एज ए मैट्रिक्स। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है मेक द ट्रांसपोज ऑफ द, मेक द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द, ऑफ द अरेंज्ड मैट्रिक्स, ऑफ द अरेंज्ड, अरेंज्ड मैट्रिक्स, ऑफ द अरेंज्ड मैट्रिक्स। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या किया अरेंज द कोफैक्टर एज ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स मिल गई। अब तीसरा स्टेप क्या है मेक द ट्रांसपोज ऑफ द अरेंज मैट्रिक्स, यानी कि जो मेरे पास एक मैट्रिक्स अरेंज हुई थी उस अरेंज मैट्रिक्स का क्या निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए ट्रांसपोज निकाल दीजिए। दिस विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ अपोमेंशन, अपोमेंशन मैट्रिक्स, अबोमेंशन मैट्रिक्स, अबोमेंशन मैट्रिक्स विल बी दी, विल बी दी एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, विल बी दी एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, विल बी दी एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, हो गया ओके। यानी कि मुझे एडजॉइंट निकालना आ गया क्योंकि हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इस एक्सरसाइज में एडजॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज है। इसमें सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, इसकी एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो थोड़ी सी आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं एक एडजॉइंट निकाल के देख लेते हैं किसी क्वेश्चन निकाले। जैसे कहते हैं फाइंड द एडजॉइंट ऑफ, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मेरे पास है 1, 2, 3 - 4, 1, 2, 3 - 4, ये कहता फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इक्वल टू 1, 2, 3 - 4, इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट में सबसे पहले क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद पहला स्टेप क्या है उनके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर के बाद क्या, ये बात याद ही होनी चाहिए आपको, ना नहीं करनी है कि एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर को फिर क्या करते हैं एज ए अरेंज करते हैं मैट्रिक्स, उसके बाद मैट्रिक्स का उस अरेंज मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं, उसी को हम एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स कहते हैं। आदि फर्स्ट वी फाइंड आउट नाउ C11 कोफैक्टर, नाउ C11
माइनस वन की पावर वन प्लस वन यानी कि माइनस वन की पावर दोनों सफिक्सेस का सम, दोनों सफिक्सेस के एलिमेंट्स का सम, जैसे सी वन वन तो वन प्लस वन उसी की रो उसी का कॉलम शो हो गया कितना है माइनस फोर, कितना आया माइनस फोर या ये डिटरमिनेंट का साइन है भाई मोड मत समझना इसे, ये आया माइनस फोर हो गया सी वन वन। इसके बाद किसकी बारी आई सी वन टू सॉरी वन टू पहली रो दूसरा कॉलम पहली रो दूसरा कॉलम पहली रो दूसरा कॉलम भाई माइनस वन की पावर वन प्लस टू इंटू थ्री थ्री बचा ना तो लगा भाई माइनस वन की पावर तीन माइनस वन इंटू थ्री कितना आया माइनस थ्री कितना आया माइनस थ्री ये सी वन टू आ गया। अब किसकी बारी आई सी टू वन नेक्स्ट पहली रो का जाग तब हो गया अब दूसरी रो पे आ जाइए किसकी बारी आई सी टू वन सी टू वन ये रो ये क्या की बचा नहीं बचा कोई बात नहीं करना ये छोटा हो गई सर फिर देखो अब इसको ये नहीं तो बना पूरा टूट जाएगा। चलिए ओके सी टू वन ओके सी टू वन में चलिए भाई सी टू वन वही रो वही कॉलम तो क्या बचा भाई माइनस वन की पावर टू प्लस वन इनटू सी टू वन वन भाई सॉरी सी टू वन टू बचा ना क्योंकि उसी की रो उसी का कॉलम छोड़ दो बाकी जो बचा उसे एलिमेंट को राइट डाउन कर दो माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन यानी कि माइनस वन इनटू टू रिजल्ट कितना है भाई माइनस टू आगे भाई सी टू टू माइनस वन की पावर टू प्लस टू सही है माइनस वन की पावर टू प्लस टू कौन बचा वन है तो भाई तेरे पास ये तो वन हो गया वन इंटू वन वन इंटू वन कितना रिजल्ट आया वन यानी कि मैंने कोफैक्टर निकाला। कोफैक्टर निकालने के बाद हमने क्या कहते हैं कि इनको एज ए मैट्रिक्स हम क्या कर लेते हैं अरे दिखा देते हैं यही बात है ना तो दिखा दे ठीक है भाई एडजॉइंट ऑफ ए नाउ सीधा डायरेक्ट करते हैं नाउ एडजॉइंट ऑफ क्या एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू लिख लो जरा माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू और वन भाई पहले देखिए जिस एलिमेंट के कोफैक्टर थे उसी की जगह रिप्लेस करते ना सी वन वन किसका कोफैक्टर था पहली रो पहला कॉलम ये किसका था पहली रो दूसरा कॉलम तो ये एलिमेंट पहली रो पहला ये पहली रो दूसरा यानी कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर था उसी की जगह से वापस रिप्लेस कर हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है जो मैट्रिक्स मिली उसका ट्रांसपोज कितना आ गया ये ट्रांसपोज का साइन लगा दिया अब कर लेते हैं माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू और वन ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया कितना आ गया माइनस फोर माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए क्या ये एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स क्लियर किसी को दिक्कत। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे स्टेप उठाने के बाद मुझे मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब थोड़ा सा आगे बढ़े एडजॉइंट ऑफ ए पे एडजॉइंट ऑफ ए के बाद ये आपका पहला एग्जांपल लिखा वैसे। अब मैं कुछ बातें इसकी प्रॉपर्टी की बात करता हूं। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो देखते हैं भाई कितना आता है पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कहता है इफ ए इज ए स्क्वायर में बहुत इंपॉर्टेंट है याद ही होनी चाहिए ये प्रॉपर्टी आपको याद ही होनी चाहिए। ये कहते हैं इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ पहली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहते हैं
इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन 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 ए मल्टीपल ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीपल ए एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीपल ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीपल आई एन डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीपल आई एन ये लगता है। आप सुन लो जरा पहले कहता है एडजॉइंट ऑफ ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करो परिक्रमाओं या पोस्ट करवाओ मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई करवाओ या पोस्ट मल्टीप्लाई जो पहले मल्टीप्लिकेशन होती है उसे प्री बोलते हैं तो बाद में करवा से पोस्ट करते हैं प्री मल्टीप्लाई करवाओ या पोस्ट मल्टीप्लाई करवाओ रिजल्ट क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आईएन क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेहर लिख लेते बेहर आईएन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑर्डर कितना एन ऑफ ऑर्डर एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी किसका भाई ऑफ ऑर्डर एन सही बात चले अब जरा थोड़ा सा प्यार से आ रही इसको ज्यादा प्रूफ पे मत जाना थोड़ा सा समझा रहा हूँ उसी पे आ रहा ठीक है समझा क्या रहा हूँ वो थोड़ी सी बातें इससे पहले थोड़ी सी डिटेल पे आ रही आ रहे हो एक काम करते हैं अभी मैंने एक मैट्रिक्स निकाल की उसके को फैक्टर लिखे हैं तो अभी निकाल पक्का अब आ जाइए चलिए देखिए एक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल लेते पहले थोड़ा सा समझते उसके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं ठीक है इसका प्रूफ की बजाय इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाओ कहां से क्या प्रूफ निकला कैसे निकला आ जाइए मान लेते हैं मैंने एक मैट्रिक्स ली लेट ए इज इक्वल टू क्या थी मैट्रिक्स -2 -3 -5 यही थी ना अब इसके मैंने को फैक्टर निकाले क्या निकाले को फैक्टर निकाले को फैक्टर जब को फैक्टर निकाले तो सी वन वन की वैल्यू कितनी थी -4 C12 -3 C21 -2 और C22 1 यही थी ना पक्का -4 -3 -2 और 1 वैसे भी सिंपल सी बात होती है हम करते क्या होते हैं इन दोनों की जगह पलटते हैं इन दोनों के साइन पलटते हैं स्क्वायर ऑर्डर वाले जब मेरे पास एक मैट्रिक्स होती है स्क्वायर ऑर्डर की उसमें हम यही करते हैं इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना होता याद रखना यानी कि हम क्या करते होते हैं इनके साइन पलटते हैं इनकी जगह बदलते हैं दो ऑर्डर वाली में यानी कि -4 -2 -3 और 1 ठीक है अब आ रही मैं जो बात समझा रहा हूं उसमें थोड़ी देर में पहुंचेंगे अब ध्यान से सुनो अब मैंने को फैक्टर निकाल लिए इसको मैंने एज ए मैट्रिक्स लिखा क्या लिखा एज ए मैट्रिक्स क्या लिखा गया -4 -3 -2 1 और एडजॉइंट निकालना था तो कितना आया -4 -3 -2 1 ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया क्या आया एडजॉइंट ऑफ ए ए आ गया प्यार से सुनना जरा जो बताने जा रहा ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया अब एक ही प्रोडक्ट करते हैं ए मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल ए कितना था भाई 1 2 3 -4 और ये कितना था -4 -2 -3 और 1 अब जब प्रोडक्ट बोलते हैं ये ऐसे चलेगा ये ऐसे चलेगा अब आ जाइए जरा काम करता जो बताने जा रहा एक बात बताइए अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं इसका क्या निकालूं डिटरमिनेंट ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं और थोड़ा सा प्यार से मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला क्या निकाला डिटरमिनेंट ऑफ ए क्योंकि समझा ये तो समझा रहा हूं मैं इसका प्रूफ समझा रहा हूं वो ए आई जे सी आई जे वगैरह वगैरह लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है इससे जो बताऊंगा वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या बना था फिर ए आई
सीक्वेंस बन जाएगा, समझे। अब मैंने डिक्रिमेंट ऑफ ए निकालना चाहा, तो डिक्रिमेंट ऑफ ए फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया करूं, तो मैंने पहला एलिमेंट वन उसी का रो उसी का कॉलम छोड़ा, तो कौन बचा माइनस फोर, यानी कि माइनस फोर इंटू अगला कितना है माइनस थ्री, उसी का रो उसी का कॉलम छोड़ा तो कितना आया थ्री। प्यार से समझना, इसको लिखना चाहता तो वन इंटू माइनस फोर प्लस टू इंटू माइनस थ्री, कोई दिक्कत तो नहीं ना। मैं लिखा ही तो है। एक बात बताइए जरा, माइनस फोर क्या था, किस एलिमेंट का कोफैक्टर? नहीं बोले बड़ी बात, कोई बात डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता ना, नहीं आता ना। अब जरा डिटरमिनेंट देख लो, अगर मैं ये कहूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल किसी मैट्रिक्स का, जैसे 1 2 3 और माइनस 4, तो प्रोडक्ट क्या होती, इन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, 1 इनटू माइनस 4 माइनस 2 इनटू सॉरी हाँ इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट 2 इनटू 3 आ जाए जरा, 1 इनटू माइनस 4 प्लस 2 इनटू माइनस 3 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाए, अब मैं जो बताना चाह रहा हूं उसके ध्यान से देखिए, 1 इनटू माइनस 4 1 into minus 4, minus 4 तो इस one का cofactor है ना? Okay, 2 into minus 3, 2 into minus 3, 2 into minus 3, minus 3 क्या है? 2 का cofactor, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं किसी matrix का determinant निकालता हूँ, तो जिस row से उसको expand करता हूँ, यदि मैं उसी रो से उसी के कोफैक्टर से गुणा करूंगा और उनको आपस में ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा। क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा। दिस इन दिस शोज दैट, मैं क्या लिखा हूं, दिस शोज दैट, शोज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल क्या आया, ए वन वन इंटू सी वन वन, a11 into c11 plus a12 into c12 c12। इसका मतलब ये हुआ, वैसे ये प्रॉपर्टी पिछले स्लाइड में आ चुकी है पर यहां बताने जरूरी है, इसका मतलब ये हुआ यदि मैं किसी रो के उसी के कोफैक्टर से गुणा करके उस रिजल्ट को ऐड करता, मल्टीप्लाई करके उस रिजल्ट को ऐड करता, तो मुझे क्या मिलता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलता है। इसी तरीके से यदि मैं किसी रो को उसी रो के कोफैक्टर के अलावा, उसी रो के कोफैक्टर के अलावा यदि किसी से भी मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। मतलब दो बातें यहां से, दो बातें क्लियर। चलो आओ, अब देखो, चलती है यहां से। अब मैं यहां से आगे थोड़ा सा नोट में डाल दूं, यहां से प्रूफ में नहीं नोट में डाल। अब नोट क्या हुआ, नोट एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, ये कहां से, इसके बाद नहीं, इसके बाद है, इसी के बाद ही बता रहा हूं, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट कहां लिख लें, यहीं लिख देते हैं थोड़ा सा, ये कोफैक्टर का भी रामायण खत्म हुई आ जाता है। As we know that, as we know that, if we multiply, if we multiply the elements of a matrix, If we multiply the elements of a matrix with their corresponding cofactor, and add the result,
रिजल्ट्स, एट द रिजल्ट्स देन वी गेट, देन वी गेट डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. बट इफ वी मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स, इफ वी मल्टीप्लाई एंड एट द रिजल्ट्स, एट द रिजल्ट्स ऑफ कोफैक्टर, रिजल्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, विद कोफैक्टर ऑफ अदर, गलत बात. ओके, ये तो हो गया ना. इफ वी मल्टीप्लाई एंड एट द रिजल्ट, इफ वी मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स, इफ वी मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ ए रो, विद अदर रोज कोफैक्टर, अदर रोज कोफैक्टर एंड एड देम एंड एड द रिजल्ट्स, देन द रिजल्ट इज जीरो, मतलब यदि मैंने कोफैक्टर इस रो के निकाल लिए, और वो मल्टीप्लाई और ऐड इस रो के साथ मल्टीप्लाई करके और ऐड कर रहा हूं, तो रिजल्ट जीरो आएगा. मतलब किसी के भी कोफैक्टर निकालो, पर मल्टीप्लाई उसको छोड़ के, उसके एलिमेंट को छोड़ के किसी और के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ऐड कर दो, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो. अगर मैं इसी के कोफैक्टर निकालूं, और इसी के कोफैक्टर को इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ू, जैसे देखिए किया a11 c11, a12 c12, ये उसी के रो के एलिमेंट और उसी के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके जोड़ू तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट. पर यदि किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ, यदि मैं मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो. दैट इज कहां लिखें दैट इज a11 into c not 11 not a 11, यानी ये करो c कौन से ले लेते, 21 प्लस a12 c22 एंड प्लस ऑन, दिस इज इक्वल टू जीरो. यानी कि रो कोई कोफैक्टर किसी के लिए, एलिमेंट किसी रो के लिए और कोफैक्टर किसी रो के लिए, और उनको ऐड किया तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा. इस बात को ध्यान रखना, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा. और ये बात हम पहले बातें कर चुके हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे. चले ओके, अब आ जाए जरा अपने काम पे. अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देख जरा. चले अब इस प्रॉपर्टी के बाद, अब यहां पे रिजल्ट क्या है, नोट को तो ब्रैकेट में डाल लिया पूरे नोट को, अब आ जाए इसके बाद में इसी पे आ रहा. अब आइए कैसे, अब मैंने प्रोडक्ट खोली, क्या खोली, 1 की माइनस 4 से 2 की माइनस 3 से, ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा. पहले रो को इसको इससे प्रोडक्ट, फिर इसी की इसी से प्रोडक्ट, ऐसे ही करते हैं प्रोडक्ट हम. तो जब इसकी इससे प्रोडक्ट हुई तो ये रो है तो ये कोफैक्टर है, पर जब इस रो की दूसरे से गुणा होगी तो क्या आएगा? जीरो. और जब इसकी इससे होगी तो जीरो, और इसकी इससे होगी तो भी जीरो.
इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू, देख मैंने क्या लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, जीरो डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या लिखा, नहीं समझ में आई, हाँ ये देख, वन की माइनस फोर से प्रोडक्ट, टू की माइनस थ्री से प्रोडक्ट, ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए था, क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगला क्या आएगा, जीरो, कारण क्योंकि इसी की इसी से गुणा होगी तो जीरो होगा, अब इसकी इससे प्रोडक्ट होगी तो जीरो, पर इसकी जब इससे प्रोडक्ट हुई तो इनके ये तो कोफैक्टर है, ये क्या है, कोफैक्टर, तो डिटरमिनेंट आया, समझ में आ गई, तो ये रिजल्ट आया मेरे पास, क्लियर, अब इसको राइट डाउन करो, फिर इसका मतलब समझो, यही बात इस पे लागू होती है, ठीक, इस वजह से जब मैं एडवेंट ए गुणा के एडवेंट ऑफ ए करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, जीरो डिटरमिनेंट ऑफ ए ए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आ रही बात है, यानी समझ आ रही पक्का, चलिए अच्छी बात है, अच्छा देख ये मेरे पास क्या साइन, ये प्रोडक्ट, चलिए हो गया, अब ये रिजल्ट तो ए गुणा के एडवेंट ऑफ ये कितना, डिटरमिनेंट ऑफ इसमें से भी बाहर, इसमें से भी बाहर, अरे भाई रो वन में से भी कॉमन, रो नंबर है टू में से भी कॉमन, तो कितना आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर तो बाहर आ गया, अंदर क्या बची, वन जीरो जीरो वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यही बात तो लिख रखी, यही बात उसने लिखी हुई है, क्लियर, और तो ये इसलिए क्या कहा, क्योंकि इसका मतलब क्या था, जब मैं कोफैक्टर, अब इसने ये जो बातें हैं ये aij फॉर्म में दे रखी है, किसमें दे रखी है, aij की फॉर्म में दे रखी है, आई गॉट समझ में, तो उस फॉर्म के अलावा हमें इस फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, यानी कि सब पहले प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन लेनी है, ठीक है, और जो हमने बात की उसको सॉल्व करना, ये पता चल गया कि बाकी ये जीरो क्यों बन रहे और अंदर ये एडवेंट बन रहे, बस इतना ही सोचा, ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।